हेलो गाइज, राजू स्पेस टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लाए हैं आपके लिए एक एचपी का मदरबोर्ड, जो कि क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। और 4160 इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, i3 फोर्थ जनरेशन, और DDR3 रैम लगती है इसमें। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा एनालाइजर लगा दिया है हमने और स्विचिंग ऑन कर दिया है। और ये इसका फ्रंट पैनल है, यहाँ से शॉर्ट करके ऑन कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 80 कोडिंग आ रही है, ठीक है। तो 80 कोडिंग का मतलब है हमारा डेटा वगैरह बिल्कुल एक्टिव है। तो अब चेक करते हैं रैम लगा के। तो देखिए, ये 2GB DDR3 1333 सीरीज की रैम है। तो लगा लेते हैं और ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा डेटा C6 बना। और चलिए VGA केबल भी लगा लेते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, सारी जो LED हैं ये एक्टिव हैं। इसका भी देखिए रीजन होता है दोस्तों। ये देखिए, रन HDD और PCH भी एक्टिव है इसमें, RAM का भी एक्टिव है और 12 वोल्ट भी इसमें एक्टिव है, ठीक है। तो एक बार इसको बंद करके दोबारा चालू कर लेते हैं और TFT को देख लेते हैं। हमारा पावर यहाँ से ऑफ तो नहीं हो गया? नहीं, पावर हमारा एक्टिव है। ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जो है, ये इसका जो लॉक होता है ये थोड़ा सा लूज हो गया था, ढीला हो गया था। तो दोबारा एक बार ऑन कर लेते हैं, ये देखिए। और आपको मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले भी आने वाला है। ये देखिए, डिस्प्ले आ चुका है हमारा, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इसमें और क्या इशू है। तो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा अभी प्रोसेसर हीट हो रहा है दोस्तों। तो इसमें हम CPU फैन लगा लेते हैं, जिससे हमारा सिस्टम बंद ना हो, ठीक है। और चलिए अब USB इसका और चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड है और हमारा USB काम नहीं कर रहा है। ये जो यहाँ पे LED जलती है वो हमारा काम नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि USB ई पोर्ट नहीं काम कर रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर लॉक में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे LED ग्लो होनी चाहिए, ठीक है, बट ये नहीं वर्किंग में। तो दोस्तों, इसमें 4 स्लॉट हैं USB के जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें वीडियो में सीखते हैं हम कि USB को कैसे रिपेयर करते हैं। HP का 400G2MT, देखिए यहाँ पे ये मॉडल नंबर है HP प्रो डेस्क 400G2MT, ठीक है। तो चलिए, इस बोर्ड को कैसे हम रिपेयर करते हैं USB, आज हम ये सीखते हैं। तो वीडियो से आप बने रहें और पूरा देखें। तो जैसा कि हम सभी कनेक्शन डिसकनेक्ट कर देंगे, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है यहाँ पे, ये रहा, इनको फ्यूज बोलते हैं और ये एज ए लाइन की तरह काम करते हैं। और दो यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों, और 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इनको एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे ये ख़राब हो सकते हैं क्योंकि ये लाइन होते हैं और ये USB के 80% इसमें ये ख़राब होने के चांस हैं। तो अभी चेक करते हैं। तो
चलिए दोस्तों, अभी बीच में जो है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक सर आगे थे, उनको कुछ बताना था तो इस वजह से वीडियो को थोड़ा पुश करना पड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो ये फ्यूज होता है, देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लाइन वगैरह लिखा हुआ है हीरा, ठीक है। तो इनकी क्या टेस्टिंग होती है दोस्तों, आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसा कनेक्टिविटी आनी चाहिए, बीप आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये लाइन चेक होती है। तो आप यहाँ पे जो ये लाइन है इसको आप इसी तरह चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गुड है और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं बीप दे रहा है, तो ये यहाँ पे ये ख़राब है। और ये देखिए, इसका कोई भी पॉइंट बीप नहीं दे रहा, तो ये भी ख़राब है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट भी और ये लाइन, ये एक इसका ठीक है, दूसरा ख़राब है, ठीक है। तो आप इस तरह से वन बाय वन करके चेक कर लेंगे। इसमें ये दोनों पॉइंट गुड होने चाहिए, दोनों पे बीप आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये सही है। वरना एक पॉइंट पे बीप आ रहा, दूसरे पे नहीं आ रहा, तो भी कंपोनेंट ख़राब है। तो आप इस तरह इस कंपोनेंट की टेस्टिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा लाइन ख़राब है, ठीक है। तो चलिए इनको कैसे रिपेयर करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम इसको SMD की सहायता से निकाल लेंगे। और एक देखिए, मैं एक डेल का मदरबोर्ड लाया हूँ, इसमें से इसको रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं, सोल्डिंग पेस्ट। ठीक है, ये देखिए हमने एक रिमूव कर लिया है, दूसरा भी, और एक हम लगा चुके हैं कंपोनेंट, और दूसरा भी लगाने जा रहे हैं। लगाते टाइम कंपोनेंट को बस दोस्तों आपको एक ही बात का ध्यान रखना है थोड़ा, कि जो ये ट्रैक है ये ख़राब ना हो। तो बस ठीक है दोस्तों, तो इसको हम प्रॉपर लगा चुके हैं। और अब बारी आती है, इनको भी चेंज कर लेते हैं साथ के साथ। चलिए दोस्तों, इनको भी रिमूव कर लेते हैं।
एक देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लगा चुके हैं और दूसरे को भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा सा माइनर पॉइंट पे काम करते हैं। तो कंपोनेंट चेंज हो चुके हैं दोस्तों, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्किंग कंडीशन में हुआ मदरबोर्ड या नहीं, यूएसबी हमारा एक्टिव मोड हुआ या नहीं। तो चलिए तो ये फैन सीपी फैन रख लेंगे दोस्तों इसमें। एक बार वीजीए भी लगा लेंगे और ऑन कर लेंगे और पैनल से शॉर्ट करके इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो डिस्प्ले तो आ जाना चाहिए दोस्तों। और यूएसबी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा यूएसबी वर्किंग कंडीशन में हो गया है। ये देखिए नंबर लॉक को ऑन करने से ये देखिए चल गया। तो एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं। इसके वीजीए के बनाना पावर केबल चेक करो इसको। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखें आप दूसरा पोर्ट भी चेक कर लेते हैं ऊपर वाला और यहाँ से ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप ये भी यहाँ पे रिपेयर हो चुका है दोस्तों। तो आप इसी तरीके से जितने भी HP G2 के मदरबोर्ड हैं आप सभी को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम आप F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए F1 प्रेस करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए। तो आप सारे USB ऐसे रिपेयर कर सकते हैं वन बाई वन करके। इसमें जो टेक्निकल इशू था मैंने आपको बता चुका हूँ, लाइव दिखाया है कि कैसे मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। इसमें हमारे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती है। तो आप इस तरह महंगे मदरबोर्ड से भी जो है रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है तो आप विदाउट चार्जेबल अपने आप ही एक बार ट्राई ज़रूर करें और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, आप कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई देते हैं। और आप हमारा मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलिंग से भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जो इंजीनियर्स हैं हमारे सभी को सपोर्ट मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट मदरबोर्ड के साथ।